अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो आज मैं बना रही हूँ गोश्त का आलू वाला सालन। आप सालन कहिए, शोरबा कहिए, अच्छा हर किसी का अलग वे होता है, मेरा भी अलग तरीका है। तो मैं आज अपने वे में बता रही हूँ आपको। एक और तरीका मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी क्विकली आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले तीन मीडियम साइज के आलू के आप चाहे तो तीन पीस कीजिए या चार पीस कीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर इसे साइड पर रखिए। मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। इस कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और तेल अच्छा गर्म हो जाए तो ये जो आलू आपने रखे हैं साइड पर ये सारे डाल दीजिए। बार बार चलाते रहें और मीडियम आंच पर इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं। बस लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं तो जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें मैं नितार कर साइड पर रख देती हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। हाँ, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ चार हरी मिर्चियाँ स्लिट मार के यही गर्म तेल के अंदर डाल दी। चूल्हा बंद है लेकिन गर्म तेल में ये हो जाएंगी फ्राई। थोड़े से कलर चेंज होने लगे तो इन्हें निकाल के नितार कर साइड पर रख दीजिए। ये साबुत गरम मसाले हैं, 7-8 काली मिरी है, 5-6 लौंग है, 1 डंडी दालचीनी की है, 2 तेज पत्ता है और 4-5 हरी इलायची है और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। ये सारे गरम तेल के अंदर डाल दीजिए और तड़तड़ा जाने दीजिए सारे गरम मसालों को। जब अच्छे तड़तड़ा जाए तो तीन मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। अच्छा, अब चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, बार बार चलाते रहिए और हमें प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हुई है, मैंने डार्क नहीं किया। अब मैं पानी डाल देती हूँ 1/4 कप, सो दैट ये प्रोसीजर है प्याज फ्राई होने का वो बंद हो जाए। और यही समय पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और बार बार चलाते हुए इसे फ्राई करें। वो गोश्त था धोया हुआ और चर्बी निकाला हुआ, आपने तब तक फ्राई करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो गोश्त डाला है। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर 1-2 मिनट फ्राई कीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक हल्का तेल नहीं छूटने लगे तब तक। चलिए 1-2 मिनट हो गया है फ्राई होके और तेल भी छूटने लगा है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटरों को पीस कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, हम लोग ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करते नहीं हैं, इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज डाले हैं। अब मसाले डाल दीजिए, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 या 2.25 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 या फिर 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर। मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाला है। सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चूल्हा चाहे तो मीडियम कर 4-5 मिनट तक ये मसाले भूनने दीजिए। आप चाहे तो ऐसा खुले रख कर ही बिना ढाके भून सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कुकर का ढक्कन है ना, इसकी गैसकेट नहीं लगा रही हूँ और ऐसे ही ढाक देती हूँ, सो दैट ये जो बाहर उड़े ना उसे 4-5 मिनट इस तरीके से पकने दीजिए। चलिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला भून चुका है, हल्का सा तेल भी ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप चाहें तो 1 कप पानी डाल दें, मैंने ना मिक्सर जार के अंदर जिसमें पीसा था ना टमाटर उसमें ही चलाकर इसमें डाला है। और आप चाहें तो 1 कप डालें, आप चाहें तो 1.5 कप पानी डालें, मैंने 1.5 कप पानी डाला है। इसे एक बार चला लीजिए और गैसकेट लगा कर इसका ढक्कन लगा दीजिए कुकर का और फास्ट आंच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए। 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके धीमी आंच पर 15 मिनट पकने दीजिए। आप चाहें तो बर्तन में भी पका सकते हैं, प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। बस पतीली में आप जब पानी डाल दें तो स्लो आंच पर दम पर 1.5-2 घंटे के लिए पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक मटन नहीं गल जाता। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद। अच्छा कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए कुकर का, अच्छा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो खोल कर सबसे पहले तो आप मटन चेक कर लीजिए। ये देखिए मेरा परफेक्टली मटन गल चुका है। अब थोड़ा बहुत मुझे है ना प्याज दिख रही है जो कि दिखनी नहीं चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। अब आप फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और इसे तकरीबन 4-5 मिनट तक पकने दीजिए मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर। मैं हल्का सा ना ढक्कन लगा देती हूँ क्योंकि वो बाहर
बाहर ना उड़े, लेकिन ढक्कन के अंदर गैस्केट नहीं लगा हुआ है, वो जो रबड़ आता है ना वो नहीं लगा हुआ है। सिर्फ 4-5 मिनट इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लीजिए मीडियम या फास्ट आंच पर। 4-5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से घुल चुकी है। मैं बार बार बीच में ढक्कन खोल खोल के चला रही थी, चूल्हा मीडियम पर था। अब मैं यहाँ पर 1.25 से 1.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप आधा कप डालें, 1 कप डालें, 1.25 कप डालें या 1.5 कप डालें, ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, क्योंकि पानी अभी डाला है, और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। हल्का उबाल आए तो ये जो हमने फ्राई करे हुए आलू है वो डाल दीजिए सारे। फ्राई करे हुए आलू जो है 75% पके हुए हैं, बस थोड़ा ही पकना है, तो बस एक अच्छा खोलता हुआ उबाल आ जाता है। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे दम पर समझिए ना 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 12-13 मिनट हो चुके हैं। आप बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आप चाहें तो आलू चेक कर सकते हैं, मुझे तो पता ही है कि आलू हो ही गए होंगे बाय दिस टाइम, क्योंकि एज इट इज वो 70-80% हो चुके थे। चलिए चूल्हा कर देती हूँ बंद और ये देखिए ग्रेवी मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी प्याज दिख नहीं रही और एकदम घुल चुकी है हमारे सालन के अंदर। तो अब ये हमारा आलू वाला मज़ेदार सा गोश का सालन सर्व कर रही हूँ मैं एक प्याले के अंदर, और इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर फिर से मैं डाल दूंगी, यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्चियाँ जो मैंने साइड पर रखी है वो भी डाल देती हूँ इसके ऊपर। ये जो हरी मिर्चियाँ हैं आप चाहें तो जब एंड में कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालते हैं तब भी डालकर मिक्स करके गोश्त में रख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ ऊपर से डाल रही हूँ। अच्छा, हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मिर्ची का पाउडर आपका ज़्यादा स्पाइसी वाला है तो सिर्फ आधा या 1/4 चाय का चम्मच ही डालिएगा। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो 1/4 कप या 1/2 कप गर्म पानी कर ग्रेवी में डाल दीजिए, एक उबाल खिला लीजिए और स्लो आँच पर ढक कर इसे 2-5 मिनट पकने दीजिए, फिर बंद कर दीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी ये वाली। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।